सेठू जी की जो शैली है वो बहुत ही रंग शैली बहुत खूबसूरत है, और जो मधुबनी पेंटिंग्स पे खास करके जो आधारित इनकी पेंटिंग्स हैं वो बहुत ही खिल के आई हैं। वहाँ भी रंगों का इस्तेमाल जो है वो बहुत खूबसूरत है, और इनकी पहली एग्जीबिशन है। मेरी ढेरों शुभकामनाएं कि इनका रंग बढ़े चढ़े। मैं पेंटर नहीं हूँ और पेंटिंग की समीक्षा भी मुझे नहीं पता है, मुझे आंखों को जो भाती है वही आपको बता रहा हूँ। जैसे मेरी पेंटिंग्स मधुबनी भी हैं, ऑयल में एब्स्ट्रैक्ट भी आप देख रहे होंगे, रियलिस्टिक पेंटिंग भी हैं और कुछ थीम वर्क से भी रिलेटेड हैं। मधुबनी बेसिकली फोक पेंटिंग से रिलेटेड होती है और ये सारी एक्रेलिक ऑन क्लोथ पे की गई है और बाकी सारे आपको ऑयल ऑन कैनवास है। बाकी जितनी भी पेंटिंग्स हैं वो कैनवास पे की गई हैं और ऑयल का यूज़ किया गया है, ऑयल पेंटिंग के इस्तेमाल की गई है उसमें। एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट पेंटिंग नहीं है, एज ए हॉबी मैंने पेंटिंग स्टार्ट की 5 ईयर्स बैक। तो ये मेरी फोर्थ एग्जिबिशन है और फर्स्ट इन मुंबई है। लास्ट ईयर मेरी फर्स्ट एग्जिबिशन लगी थी बोकारो में, बोकारो स्टील प्लांट में। उसके बाद रांची में मेरा इंटरनेशनल स्टेडियम में सेकेंड एग्जिबिशन लगा था, जिसको मेरे नाम से हॉल ऑफ फेम भी डिक्लेयर किया गया, क्योंकि इसके पहले वर्ल्ड वाइड किसी स्टेडियम में आर्ट गैलरी नहीं लगी थी। अब वो चीज़ स्टार्ट हो गई है, अब किसी भी स्टेडियम में आर्ट गैलरीज लगा करेंगी। अच्छा लग रहा है, अभी तो आज स्टार्ट हुआ है तो देखते हैं वहाँ की रिस्पॉन्स, तो धीरे धीरे पता चलेगा। तो फिलहाल तो अच्छा ही लग रहा है। ठीक है, बेस्ट।